नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे दोष है या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे जो रोज का व्यवहार होता है उसमें भी होती है। उसकी वजह से कुछ निगेटिव एनर्जीज आती है और वो जो है माता लक्ष्मी जो हमारे घर में आती है तो उसमें बाधा बन जाती है वो चीजें। तो वो क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये समझिए आपका घर है, यहाँ पर जो मैंने निकाला है ये रेक्टेंगल है, आपका स्क्वायर हो सकता है या कोई और शेप भी हो सकता है। तो आपको डायरेक्शन देखना है, यहाँ पर मैंने दिए है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मुख्य दिशाएं है और बाकी सब डायरेक्शंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आपका डोर किस डायरेक्शन में है वो पता चलना बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर डोर नॉर्थ में है, ईस्ट में, साउथ में या वेस्ट में, अगर बराबर वास्तु पद में है, यानी कि किसी प्रॉपर प्लेस में जहां पर उसको होना चाहिए, ऐसी जो प्रॉपर जगह होती है हर एक दिशा में वहां पर है, तो वो एंट्रेंस अच्छी होती है, उसके कुछ भी निगेटिविटी नहीं होती है। लेकिन एंट्रेंस अगर अच्छी है फिर भी आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है जो कि आपको लोन या फिर अनवांटेड एक्सपेंसेस ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो भी मेन डोर है, मेन डोर के साइड में आपको डस्टबिन नहीं रखना है। उसका रीजन ये है कि जो डोर है मेन डोर, वहां पर जिस ग्रह की एनर्जी होती है तो उसके अपोजिटली जो हम कूड़ादान रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, वो अलग ग्रह के अंदर आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर एनर्जीज प्रॉपर नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर कूड़ादान नहीं रखना है। इसकी वजह से घर में पैसे का आना या फिर घर में खुशी आना या फिर घर में फ्रेशनेस रहना, इन सभी चीजों में बाधाएं आती है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम टीवी देखते हैं, टीवी आपका किस भी दिशा में लगा हो टीवी देखते हैं, हम बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो यह सबसे गलत बात है। बिस्तर पे बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और जो एक और ऐसी बात है कि रात में रसोई में जो है कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना है। जो आपका सिंक है या जूठे बर्तन है वो पूरा साफ करके आपको रखना है, किचन पूरा क्लीन करके ही आपको रखना है। ये जो आदत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वास्तु में बहुत ज्यादा निगेटिविटी बढ़ा सकता है अगर आप हर रोज जूठे बर्तन रखते हो। शाम के समय कभी भी किसी को भी आपको दूध, दही, नमक, ये जो चीजें हैं ये नहीं देना है। ये आर्थिक नुकसान कर सकता है, आर्थिक स्थिति जो होती है हमारी उसको प्रॉपर स्टेबल होने में ये प्रॉब्लम करता है। तो ये चीजें शाम के वक्त या अंधेरा होने के बाद ये चीजें किसी को भी नहीं देना है, दिन के वक्त दे सकते हैं। अगर आपका बाथरूम नॉर्थ डायरेक्शन में किधर है या फिर ईस्ट डायरेक्शन में, मैं बाथरूम की बात कर रहा हूँ टॉयलेट की नहीं, तो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में आपका बाथरूम है तो क्या कर सकते हैं कि रात में सोते वक्त बाथरूम में एक पानी की बाल्टी भरकर रख सकते हैं। एम्प्टी बाल्टी रखने से अच्छा है, इन दिशाओं में अगर आप पानी की बाल्टी भरकर रखते हो सवेरे, वो पानी आप यूज भी कर सकते हो या पेड़ों को भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है ना आपके जो सेविंग्स है उसमें आपको बहुत अच्छा फर्क नजर आएगा। जो भी आपके कर्ज है या फिर किसी को देना है, इन चीजों में आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखेगा कि ये चीजें कम होती जाएगी, आप कर्जा चुकाते जाओगे। तो ये कुछ उपाय है, अगर आप ये करोगे तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।